ओली बाइक्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे पास ब्रांड न्यू फसिनो खड़ा है। इसका फर्स्ट सर्विस भी हो चुका है और आज हम इसी का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं, 1 मंथ ओनरशिप रिव्यू करने वाले कि बाइक चलाने में कैसा है और इसका माइलेज क्या है और आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए इसके ओनर्स को बुला लेते हैं। तो ये है किशन जी, तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको पूछना चाहूँगा कि आपने फसिनो ही क्यों खरीदा? फसिनो, जैसे कि मैंने आपके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं गोवा गया था, तो वहाँ पे हम लोग ने मैंने फसिनो लिया था ट्रिप के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और कंफर्टेबल लगा चलाने में भी, और लाइक मतलब जो भी है अच्छा लगा। तो फिर रिटर्न आया तो प्लान तो था ही लेने के लिए स्कूटर या बाइक जो भी है, तो फसिनो का ही वो एक था मेरे को, तो मैंने इसके लिए ले लिया। अच्छा, तो मतलब अभी मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि अभी ये मतलब बाइक लेके आपको कैसा लग रहा है? मतलब ठीक है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, अच्छा है, स्मूथ है, बढ़िया है, माइलेज भी अच्छा है इसका। तो माइलेज पर अगर आपने बोली दिया तो मतलब ये कितना माइलेज दे देती है आपको? माइलेज अभी देखो 1 लीटर पर मुझको 40 समथिंग दे देता है। मतलब सिटी में कि हाईवे पे? सब हाईवे पे, ऐसा सिटी हाईवे दोनों देखा जाए तो ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब 42 आप 40 का तो आप पकड़ के ही चलो 40 के माइल। और मतलब आप ज़्यादा स्पीड में चलाते कि नॉर्मल चलाते? चलाता हूँ कभी कभी, एरिया वाइज के हिसाब से गाड़ी चलती है। मतलब 40 दे देती है? हाईवे पर रहेगा तो 80, 70, 75, 65, 60, और एरिया वाइज रहेगा तो 50, 40, 45, 35 ऐसे। और अभी तक आपने कितना भगाया मतलब इसको? अभी तक टॉप स्पीड कितना अचीव किया? अभी तक तो मेरा गाड़ी चल चुकी है 2000, क्योंकि हम लोग गोवा में थे तो आई थिंक 110 भगाया था हम लोग ने वहाँ की फसिनो को। मेरा तो अभी 80 के तक, 80 के स्पीड में अभी तक तो गाड़ी चलाया हूँ, 80 के 80 तक मतलब आपने अभी तक अचीव किया। और हाई स्पीड पे क्या मतलब ये वाइब्रेट ज़्यादा करती है? वाइब्रेट हाँ थोड़ा पीछे का वो तो करेगा ही, वो तो सब में रहता है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा बहुत करता, थोड़ा वाइब्रेट हाईवे पे मतलब हाई स्पीड पे करती है, हाई स्पीड पे करता ही है थोड़ा। और इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी आपको कैसा लगा? बिल्ड क्वालिटी अच्छा ही लगा मुझे, मतलब उसमें कुछ दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं, अभी तो देखेंगे आप, मेरा अभी जैसे कि कंसोल मीटर अभी थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आ गया मीटर। हाँ, मीटर में मतलब क्या प्रॉब्लम आया? वो थोड़ा पानी की वजह से लगता है, पानी वानी गया है तो मतलब पानी चला गया तो मीटर आपका थोड़ा खराब हो गया। खराब हो गया मीटर, बता नहीं रहा है चलाने पर, अभी इसको दिखाना पड़ेगा मेरे को जाके एक बार, तो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। और इसके जो टायर्स है, अभी टायर्स आपको कैसे लगे? मतलब ग्रिप बना के चलते रस्ते पे कि नहीं? चलता है, ग्रिप बना के चलता है, ऐसा नहीं है। तो टायर्स रिलेटेड कुछ किट विट नहीं होता? नहीं, किट विट नहीं होता है। और हमारा जो इसका ब्रेक है, तो ब्रेक इसके कैसे है? मतलब ब्रेक भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा टाइट और वो तो वैसे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क ब्रेक तो बहुत ही अच्छा है, डिस्क ब्रेक में तो नो डाउट वो तो ज़्यादा अच्छा है। डिस्क ब्रेक का थोड़ा वो रहता है, पीछे का थोड़ा डीले करके स्टॉप करता है, लेकिन वो अच्छा है, डिस्क ब्रेक में अच्छा है। डिस्क ब्रेक मतलब इसका आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा, इसकी जो सीट है वो आपको कैसी लगी? सीट एकदम मस्त है, कंफर्टेबल है, बड़ा है, आप जैसे कि देख सकते हो, चौड़ाई भी ज़्यादा अच्छा है और हाइट भी इसकी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है, तो बैठने में तो कंफर्टेबल एकदम, चलाने वाले को भी। तो मतलब हाँ, राइडर और पिलियन आराम से बैठ जाएंगे एकदम, मतलब अच्छा रहता है आपका वो, मतलब कंफर्टेबल रहता है, कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग ट्रिप जाते हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका जो ये मिरर्स है वो कैसे हैं? मिरर्स भी अच्छे हैं, पीछे का मतलब सब बराबर दिख जाता है? सब बराबर दिखता है एकदम। और अभी कितना है किलोमीटर चल चुके हैं? अभी तो ये अभी मीटर जैसे कि आपको मैंने बताया बंद पड़ी है, तो अभी 1980 दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर, 2000 प्लस हो चुका है ये, हो चुका है, हो चुका है। मीटर खराब की वजह से नहीं पता चल रहा है, नहीं तो पता चल जाता एग्जैक्टली कितना गाड़ी चली हुई है, नहीं तो आप ऐसे तो आप 2000 प्लस पकड़ के चलो गाड़ी चल। और इसका जब आप सर्विस कराने गए थे तो इसका कितना कॉस्ट था? सर्विस के टाइम पे गया था तो मुझे वो लोग ने, सर्विस वाले ने ज़्यादा बताए थे, बट मैंने मेरे दोस्त लोग से एक बार कंसल्ट किया, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस, ये कंसोल ठीक करने का, कंसोल वो लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं अपने तरफ से, बट जो इम्पोर्टेंट है वो तू करा लेना। तो मेरे जो जैसे दोस्त लोग बताए थे तो मैंने वैसा कराया, ऑयलिंग वगैरह चेंज हुआ था और ब्रेक वगैरह जो। तो फर्स्ट सर्विस का आपका कॉस्ट कितना है? फर्स्ट सर्विस का मुझे कॉस्ट कुछ 900 to 1000 के समथिंग कुछ गया था, 900 to 1000 आपका फर्स्ट सर्विस हुआ था, फर्स्ट सर्विस। और ये कंसोल के लिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कंसोल का ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी फर्स्ट सर्विस है तो इतना ज़रूरत नहीं है, अभी सेकंड सर्विस रहेगा, प्रॉपर सर्विस करवाने वाला हूँ इसको। और नाइट में जो लाइट्स की विजिबिलिटी है, लाइट मतलब पूरा दिख जाता रास्ता, पूरा दिखता है, पूरा मस्त है, मतलब सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा। के हिसाब से अगर आप पूरा अंधेरे लाइट में जाते हो ना, तो वहाँ का इसका अगर लाइट देखोगे तो बहुत ही तगड़ा है, मस्त है, अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है। और मतलब आपने एक्सेस को कंसीडर किया था? मतलब क्योंकि एक्सेस हो गया, बर्गमैन हो गया, एक्टिवा हो गया,
जुपिटर भी था, वो सब भी गाड़ियाँ अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या एक मेरा छोटा सा एक ड्रीम टाइप का मान लो या जो आप मान लो, वो मेरा था कि मुझे पसीनो ही लेना है, पसीनो ही लेना है, मैंने ले लिया। अब इसके बाद देखते क्या कर लेना है वो देखेंगे। तो मैं अभी चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए कि इसको लेने के लिए क्या आपको अच्छा लगा और इसमें आपको क्या डिसएडवांटेजेस लगे। जैसे कि मतलब इसको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से, आप बता दो। अगर कोई कंज्यूमर अभी लेना चाह रहा है बाइक, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, जैसे कि आपको लगता है ट्रैवलिंग हमेशा लगता रहेगा, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप इस पर केयर करके आप लेके आ सकते हो, लेके जा सकते हो। और इजी है कि मतलब कोई भी आपके फैमिली मेंबर में जो भी है नए गाड़ी चलाने वाले या पुराने जो भी है वो भी चला सकते हैं इसको, और आप उनको सिखा भी सकते हो इजीली। तो इजी टू राइड, अच्छा रहेगा, इसलिए अच्छा रहता है और इजी है चलाने में, इजी है, ज़्यादा वेट नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो हल्के लोग भी कोई भी रहेगा तो इसको इजीली चला सकता है इसको, तो आपको अच्छा लगेगा। और इसके डिसएडवांटेजेस आपको क्या लगे, जैसे कि जुपिटर में अभी मोबाइल चार्जिंग भी आ जाता है जुपिटर एंड ऑल में? नहीं, इसमें देखिए अभी इसमें चार्जिंग तो नहीं दिया है। हाँ, उसका और थोड़ा लगेज स्पेस भी कम है इसमें। ओके, तो मुझे थोड़ा अच्छा ही लगा, बाकी सब ठीक है क्योंकि लगेज स्पेस इसमें नहीं है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे एक देता है कैरी, फोन विंग कैरी, वो भी नहीं है इसमें, और चार्जिंग केबल भी नहीं है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा आपको इसमें। तो ब्लूटूथ का फीचर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्लूटूथ के साथ तो अच्छा ही है, लेकिन वो ज़्यादा कभी यूज़ के लिए वो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ा, तो यूज़ करता नहीं उसको ऐसे तो। अच्छा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ट्रिप नहीं हुआ है जहाँ पे यूज़ कर सके उसको अपन, तो उतना आपको अभी तक यूज़ नहीं पड़ा ब्लूटूथ फीचर्स? यूजेबल अभी तक नहीं पड़ा है, इसके लिए यूज़ अभी तक किया नहीं है। तो अभी अगर कोई इंसान को लेना होगा ये बाइक तो आप उसको रिकमेंड करोगे? बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करने के, ठीक है, अब जैसे बताया ठीक है आपको, मतलब अगर आपको थोड़ा कितना भी है तो स्कूटर है तो स्कूटर के हिसाब से तो ठीक ही है ये। हाँ, बाइक वाले जो हैं उनकी बात ही अलग है कि भाई अब अपने अपने सबकी चॉइस रहती है, डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है कैसे लेना है। अच्छा, तो अगर काम वाम वाले अगर वर्किंग वाले आदमी है या कोई भी है जॉब वाले, तो उनके लिए ठीक है ये स्कूटर एक टाइम पे, इसके लिए ठीक है। बाकी लोगों की चॉइस रहती है कि कैसा क्या लेना है क्या करना है। और इसका सस्पेंशन आपको कैसा लगा, मतलब गड्ढे फील होते हैं ज़्यादा? गड्ढे तो फील तो नहीं होते, अगर आप गड्ढे में लेके जाओगे तो ऑब्वियसली फील तो होएगा ही, नहीं तो ऐसे फील होते नहीं है गड्ढे में, मतलब नॉर्मल अगर आप चला रहे हो तो। हवा पे आपका टायर का हवा प्रॉपर रहता है ना, अगर टायर आपका मेंटेनेंस रहता है अच्छे से प्रॉपर रहेगा तो इतना गड्ढे विड्ढे का आपका फील नहीं होगा। इनिशियल इसका कैसा है, मतलब इनिशियल पिकअप इसका अच्छा है? इनिशियली जो स्टार्ट होकर गाड़ी चलती है तो अच्छा है, एक इसका एक आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसका ना जब भी स्टार्ट करोगे तो एक्सेज में देखोगे तो आप खर खर करके स्टार्ट होता है। हाँ, स्टार्ट आप जब भी उसको करोगे तो इसमें क्या आपका है, इसको आप जब भी स्टार्ट करोगे एकदम साइलेंट मोड पे स्टार्ट, मतलब एकदम स्मूथली स्टार्ट, पता ही नहीं चलेगा कि आपका गाड़ी कब स्टार्ट हुआ है, ऐसा रहता है। प्लस इसमें एक और फीचर, इसमें बेनिफिट है कि आप ये जो देख रहे हो ये आप अगर ऑफ रखोगे तो आप किधर भी हो सिग्नल या किधर भी तो गाड़ी आपकी स्टार्ट रहेगी। हाँ, और इसको आप अगर इसको ऑन करके सिग्नल या किधर भी ट्रैफिक या किधर भी रखते हो तो अगर ऐसा छोड़ देते हो आप गाड़ी को तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और हल्का सा आप लोगे ना तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है मस्त एकदम साइलेंट मोड पे, फिर आप इसको चला सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इस सब में फ्यूचर नहीं रहता है, इसमें ही दिया हुआ है, यामाहा 125 फसीनो में ही दिया है। और इसका एक बार स्टार्ट करके आप दिखा दो एक बार दर्शकों को, स्टार्ट करके दिखा सकते एकदम साइलेंट मोड पे स्टार्ट होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पता भी नहीं चलेगा कि आपको स्टार्ट हुई है गाड़ी, और एक्सेज में देखोगे तो वो खर खर करके आवाज होती है बराबर, और बर्गमैन में भी वही सही सेम है। हाँ, दोनों का इंजन सेम ही है, सिर्फ बॉडी अलग है, ऐसा खरखरा के आवाज आती है, इसके लिए इसका ये अच्छा है। तो इसमें ये जो गाड़ी साइलेंट मोड पे स्टार्ट होती है इसमें खराब होने का इंजन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर वगैरह नहीं पड़ता है, तो ये आपका ज्यादा बेनिफिट है इसमें। थैंक यू सर हमारे दर्शकों को अपना टाइम देने के लिए। तो गाइज, ये था हमारा फसीनो 125 का ओनरशिप रिव्यू, और आपने जैसे देखा दिस वॉज द जेन्युइन रिव्यू, और अभी हम एक इसका टेस्ट राइड लेंगे और आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि ये मतलब ओवरऑल लुक वाइज ये बाइक कैसी है। तो चलिए हम इसका टेस्ट राइड लेते हैं अभी। तो गाइज, अभी आपने आप लोग देखो कि ये कितना स्मूथली स्टार्ट होता है, तो पता भी नहीं चलता कि ये जो स्कूटी है स्टार्ट हो गई। तो अभी हम एक टेस्ट राइड ले रहे हैं,
हमारा है राइडिंग व्यू, और आप लोग देख सकते हैं कैसा परफॉर्मेंस देता है सिटी में। कैसा लगा सर आपको? बहुत ही एकदम स्मूथ गाड़ी है, मतलब पता भी नहीं चलता कि मतलब यू नो एकदम रिफाइंड इंजन है, बिकॉज यामा अपनी रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। और 6 फीट राइडर पे अगर आप लोग देखें तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखेगी, तो लुक देख सकते हो आप इसके, एक बार लुक आप देख लो बतख के जैसा है, यू नो डक बोल सकते हो आप इसको डक पीछे से भी एकदम शार्प लुक है, आप लोग देख सकते हो, शार्प लुक है, आप देख सकते हो। ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हो तो एकदम प्रॉपरली ये कटवट आप मार के निकल सकते और हो। और ये स्कूटर में ये आपका ये अच्छा रहेगा कि ये मेल फीमेल दोनों ही चला सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मेल ही चलाएंगे या फीमेल ही चला सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही इसको रिकमेंड कर सकते हो आप। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।